नाऊ के टूरी नवरंगी रे भैया दोबी के टूरी उजार। अरे दोनों माँ बांधो अरे गाटी टे परियारे खेदों रे कनली कछार। बाजन दे बाजा जय जोहर। मैं रानू निषाद फिर अपन माई भाखा में हमार तीज तिहार रीति रिवाज और परंपरा ले जुड़े आध्यात्मिक और धार्मिक कहानी कंथली के साथ में। तस्सब से पहले तो आप सब भोजन मल्ला देवारी तिहार के गाड़ा गाड़ा बधाई। ए दे हमार दाई दीदी महतारी मन हा देवारी के 15 दिन पहली ले लिपना पोतना छाबना मुंदना चालू कर दे। और यह रीति है बहुत पहली चले आते। पहली का है कच्ची कच्ची घर है, अब तो सरकार आवाज दे डरे है। ता तिहान ले हमार छत्तीसगढ़िया बहनी मन दाई दीदी महतारी मन के एक ठन आदत है कतको पक्की घर बन जा रहा है वो छूही खुटिया बर नहीं छोड़े गोबर के छरा छिटका दे बर नहीं छोड़े। ता काम बुता है चला थे 15 ही दिन ले पहली ले और सुंदर देवारी तिहार के आना हुआ बत थे वे। संगे संग हमार गाँव गाँव के दीदी मन हा सुंदर टोली बना बना के गाँव गाँव में स्वगीत लगावा थे। तरी हरी नाना मुर नाना रे नानाया मुंगरा लगा ले कुआ परमा सुंदर टाइप के ये दे सुंदर अकल ले स्वगीत गावा थे। अब ही तारतम्यता में देवारी तिहार में गौरा पूजा गौरी गौरा पूजा लक्ष्मी पूजा गोवर्धन पूजा और मातर पूजा भाई दूज ये सब मनाना है। ता आपके बीच में एक ऐसे हमार छत्तीसगढ़ के एक ऐसे संप्रदाय जाति समूह के में चर्चा करना चाहता हूँ जो है बड़ा ही विशेष है हर क्षेत्र में। अब वो जाति लहमन जान था राउत के नाम से। और देवारी तिहार में राउत भैया मन के का पूछना है सुंदर होकर मन के काछन पर ही तो हम रही आहा हा कतका सुंदर लागते। अब कबले चालू होते कैसे होते तेकरे बारे में आज चर्चा करबो। तय दे सुंदर गौरी गौराला हमन विसर्जन कर दे विसर्जन करथन गौरी गौरा पूजल करथन सबो माई पिल्ला बस्ती गांव भर के मन मिलके तहन जैसे विसर्जन होते और हमार राउत भैया मन के चालू हो जाते। काय के थे कोने धरे तोरे डंडे का मंडल और कोने धरे मृग छाला कोने धरे तोरे बने बासुरी की कोने धरे जय माला रे हो। और सुंदर चला थे एकर उत्तर में दूसरा कहा थे ब्रह्मा धरे तोरे डंडे का मंडल शंकर धरे मृग छाला ब्रह्मा धरे तोरे डंडे का मंडल शंकर धरे मृग छाला किशन धरे तोरे बहन बासुरी की राधा धरे जय माला रे हो। सुंदर नाचत गात आते घर में। और सबसे पहली काम होते हमारे राउत भैया मन के महा हमार गाय माता ला गौ माता ला जेला हम लक्ष्मी स्वरूप मानथन सुंदर खिचड़ी खवाते। खिचड़ी खवाए के पहली बिहानिया ले जे दिन एते गौरा गौरी विसर्जन करना रहते एते विसर्जन करते ओकर ले पहली सब हमारे राउत भैया मन जतका घर में गाँव बस्ती में जतका घर जेकर जेकर घर में गाय रहे रहते सब अपन गाय गरुआ मन ला नहा धोआ के सुंदर रख लेते। और सुहारी बरा भात खिचड़ी ऐसने बना के मत खटिया में नवा लुगड़ा लप बिछाते और नवा लुगड़ा में ओला जतका जिनिस बनाए रहते कलेवा बनाए रहे रहते सुहारी बरा भजिया जेकर जतका सामर्थ्य था वो बनाए रहते तेला और चौर उरीदार सब के खिचड़ी बना के सबला मेले रहे रहते और मेल के गायल सुंदर पूजा अर्चना करके गाय ला खवाते और ओकरे प्रसाद ला सब भोजन मन खाथन हमार सब जन मन है और लक्ष्मी माता के आशीष पाथन। त सबसे पहले काम हमार राउत भैया मन के कि खिचड़ी खवाते और सबके घर में जा जाके। अब ओकर बाद में जैसे खिचड़ी खवाएन वही दिन गोवर्धन पूजा रहते गोवर्धन खुंदाए के पारी रहे रहते गोवर्धन कहा रे तो गोवर्धन है
द्वापर युग में एक ठन पर्वत रहिस जे है इंद्र गोवर्धनपुर पर्वत के पीछे के आध्यात्मिक कार धार्मिक कारण ये की थे कि भगवान श्री कृष्ण जतका भी कृष्ण नंद जी के गांव के जतका भी वासी रही से तेला इंद्र के प्रकोप से बचाए बर गोवर्धन पर्वत ला अपन छीनी उंगली में उठाई और गोवर्धन पर्वत के नीचे में सब जनमन के रक्षा करी और वही गोवर्धन पर्वत ला हमन हमर क्षेत्र में अंचल में गोबर के गोवर्धन बना था और वही ला गाय से खुंदवाते हमारे राउत भैया मन तर राउत भैया मन सुंदर गोवर्धन खुंजाए बर निकले बर सब जतका भी गाय रहे रहते ते में के एक छन छोटे छन बछरू धरते और खेड़खा डार में आते। अब कई कई जगह खेड़खा डार में बस्ती के बीच में खेड़खा डार जहाँ गाय मन ला एकत्रित किए जाते तेला खेड़खा डार कहते। तक खेड़खा डार में सबो जन गाय ला ले जाते सांझ के समय में जेकर जेकर छोटे छोटे गाय रहते बछरू जेला बछड़ा कहते तब बछड़ा लेते। अब बड़े बड़े गाय ले जाना मुश्किल होते ना बाजा गाजा एढ़ान उढ़ान भागी ते कहते छोटे जन और मस्त गोवर्धन के गोबर के गोवर्धन बनाते खड़का डार में सहारा देव करा और सहारा देव पूजा करी जम्मो गांव बस्ती मन होकर सेकलाए रहे रही और सेकलाए रहे रही और सुंदर ओला गाय ला रखी बछड़ू ला और गोबर के सुंदर अकले टीला सन बनही ऐसे ऊंचा सन और वो जो बछड़ू रहे रही ते सुंदर पूजा अर्चना कर ही ओकर और ओला ओकर गोला गोड़ से अब वो जो गोवर्धन रही ते में मेमरी और ऐसे नाना प्रकार के अब्बड़ कन जंगली पौधा रह रहे ओला खोच दे रहे और सहारा देव करा सुंदर गाय से ओकर गोल लाई से खुंदा थे गोड़ से गोबर लाई से चपका ही और जतका गोबर रही तेला जतका झन मन वहाँ देखे भर जाए रही ते मन ला सुंदर टिकली लगे कबर गोबर लक्ष्मी जे गाय हरे गाय के एक एक अंग अंग उपयोगी है मनुष्य बर और गोबर ला पवित्र माने जाते तेकर वजह से गोबर के तिलक करे जाते सब जन मन गोबर के तिलक करके सब जन एक दूसरा के एक दूसरा ला देवारी तिहार के बधाई देते अब ए ढंग ले गोवर्धन पूजा मनाते हमार राउत भैया मन है। अब राउत भैया मन के गोवर्धन ला ए देख खुंदाइस और सब जन मन एक दूसरा बधाई दिस ओके बाद दूसरा दिन मातर जे दिन मातर रहे रहते ओ दिन मातर के दिन के तो काय पूछने है भैया सुहाई बांधाई चालू हो जाते इतिर सुहाई बांधाते इतिर सुहाई बांधाते रहते जे दिन गोवर्धन पूजा रहते ओ दिन अब्बड़ जन मन लगा समय अभा कर वही दिन ले चालू हो जाते सुहाई बांधना सुहाई बांधत रहे रहते और इतिर मातर के दिन के बात है। अब मातर के दिन बिहनियल निकलते हमार भैया मन है और मातर दिन मातर के दिन के तो का गजबे के सुंदर परिदृश्य रहे रहते कितना सुंदर लगत रहते चारों डहन ऐसे लगत रहते जैसे सब मन है एक लोक धुन में सब सराबोर हो गए स्वर लहरिया चारों डहन गूंजत रहे रहते और सब जन मन तिहार के मस्ती में झूमत रहे रहते और वे तीर हमार राउत भैया मन है काछान पारत निकलते अरे रे 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 अरसी फूले घमागम भैया और मुनगा फूले सफेद रे अरसी फूले घमागम भैया मुनगा फूले सफेद रे और बालकपन में केवरा बधे जवानी मिल गए भेट रे ऐसे कर सुंदर काछान पारत निकलते और घरों घर घरों घर घरों घर घरों घर घरों घर जाते और सोहेल बांधते और सोहेल बांधे एक बाद में ऐसे बांधत 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 जब सांझ हो जाते तब सांझ हो जाते सहारा देव मर जाते और सहारा मेर देव मर जाके सबसे पहली दुहा मारते का पूजा परे पुजेरी के धोआ चौर चढ़ाई रे पूजा परत मोर सहारा के सौ सौ माथ नवाई रे ऐसे करत मस्त होकर नरियल रखते और नरियल ला जेन राउत भैया रहे रहते तेकर जेन वरिष्ठ रहे रहते ते लकड़ी के बल पे वो नरियल ला फोड़ते जतका भी अपन मालिक के घर में जाते सब ला जोहार जोहार के सब ला बुलाते कि आज सबके जतका राउत जाती रहे रहते सबके पहली तेरे से ती राउत जोहारिन जाबो नहीं सकते राउत जोहारिन जोहारे बर जाबो नहीं सके कि नहीं कहते तो जतका भी राउत जाति संप्रदाय के राउत जाति के लोग रहते तेकर तेकर घर जा जाके सब ला आमंत्रित करते बुलाते कहाँ मातर मनाए बर कि आओ भैया मातर मनाया जाना है
तेकर सेती राउत जोहारेल जाबो ऐसे की कथे। और जतका भी राउत जाती है जतका ठेठवार जाती है सब जन मन मातर के दिन में उपस्थित होते। और मातर के विशेषता ये हरे कि ये मातृ शक्ति के प्रतीक हरे। माता के धरती माता पृथ्वी माता जन्म देने वाली माता गाय माता जल माता ये मातृ शक्ति ला उजागर करते। और ए ढंग ले देखबे ता मातर पूजा मातृ शक्ति पूजा हरे देला हमर ठेठवार भाई और यादव भाई मन मिलके सब गांव वाले बस्ती वाले मन के सहयोग से करते। तब मातर के दिन कुमड़ा रह रहे थे और कुमड़ा रह रहे थे और कुमड़ा रखे रह रहे थे वही कुमड़ा फूट के प्रसाद बनते। कैसे फूटते का होते का नहीं होते का प्रवी का प्रक्रिया होते ओला जानबो। लेकिन वो कल पहले सुंदर से एक ठन और आओ आपके बीच में दोहा रखे कोशिश करते मैं कि धाने रे लुए लुए थरी गंजैले धाने रे लुए लुए खरही गंजैले पेरा रे महंगी बेचाए ठाड़े न रही माँ पाकुर भांजे कौन जनावर काए रे ओ। देखो कत का सुंदर हमार राउत भैया मन के दोहा है ता इसने दोहा परत 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 जब सांझ हो जाते और सब जन एक जगह जुड़ी आ जाते ता जैन जे दिन मातर मनाना है सांझ के समय। वैसे तो अब्बड़ अकन गाँव मन में पूरा बर्दिक बर्दिक गाय लानते लेकिन भी बाजा बाजा के मारे गाय मन इडहन उड़हन भाग जाते करके कम संख्या में कम से कम ऐसे 15-20 ठन गाय लान लेते। और एक ठन फुड़हर रहते राउत भैया मन के और हमारे ठेठवार भैया मन के विशेषता एक फुड़हर के फुड़हर ला जे खैरखा डाल रहे रहते तेकर बीचो बीच में गाड़ते। फुड़हर एक ठन लकड़ी मोदगा रसा रहे रहते बड़े जन ओकर ऊपर में दिया जलत रहते फुड़हर विशेष रूप से वो भगवान है और ओकर बिना मातर माना ही नहीं जा सके। तब फुड़हर ला बीच में गढ़ही ओकर ऊपर में दिया जलत रही और सब वो गाय मल्ला भी बीच में रहे रही अब बीच में रखे रही। अब जत का भी राउत है ओकर मालिक है सबके सबके घर में यही वो जे कर खैरखा डाल रही थे मेरे सब गांव बस्ती और जत का भी राउत संप्रदायिक सब मन वही कर रहे रही। अब वो कुड़हर में दिया जलत रही और ऊंचे गोल घेरा में ऐसे गोल रहे रही और वो गोल घेरा के अंदर में गाय मर रहे रही। अब गाय मल्ला ऐसे कुड़हर ऐसे घूमही तो गाय मन घलो एडहन उड़न भागी और गाय मन भागी तो कुमड़ा रह रही भीतरी में। अब कुमड़ा मन है गाय मन के पैर में फूर में घुज घुज के ऐसे टकरा टकरा के वो कुमड़ा फूट जाते। अब फूट जाते छर्रिक दर्री हो गए कुमड़ा। अब वो कुमड़ा ला सकेलते और सुंदर भी कुमड़ा के खीर प्रसाद जो भी है बनाते और सब झनमला बांटते। और ए ढंग ले सुंदर तरीका से मातर तिहार ला हमारे राउत भैया मन के सहयोग से और राउत भैया मन के हिम्मत से साहस से ये मातर के तिहार हला सुंदर ढंग ले हम सब जन मिल के मनातन। और सब जन फिर राउत सोहाई बांधे जा रहे रहते तो सोहाई बांधे जब राउत भैया मन जाते तो घरों घर सोहेल बांधते। और सोहाई कहा रे तो मयूर पंख के और नाना प्रकार के कपड़ा रहे रहते रंग बिरंगा नवा नवा कपड़ा रहे थे ओकरे सुंदर ऐसे गुथ गुथ के गुथ गुथ के सुंदर गाय मन में बंधा रहे थे ना ऐसे गोल 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 पट्टा सही पट्टा कस तो वो पट्टा कस हा वही सोहाई हरे और वही हा गाय के आभूषण हरे और वही आभूषण ला सोहाई के नाम से बांधते। और जत का जापन ठाकुर मालिक मलका इन घर जाते तो वहाँ ओला शेर पसौनी का सूपा में धान चावल और पैसा जेकर जितना सामर्थ्यता है वह ओला देते। कौन मल्ला राउत भैया मल्ला जे सोहाई बांधे पर जाते। तो ये ढंग ले सुंदर अकन हमार राउत भैया मन के तिहार अब राउत भैया के साथ हम सब जन के तिहार मातृ शक्ति ला आभार व्यक्त करते कि हे माता ते आज हमला जन्म देस ते आज हमला अन्न देस ते आज हमला पानी देस ते आज हमला जीवन देस तोर कोटि कोटि आभार है। ऐसे गे के आभार व्यक्त मनात मनात सुंदर तिहार ला मातर के तिहार ला मनाते जेमे हमार राउत भैया मन के विशेष महत्व रहते। त
करता। यही भावना के साथ आओ एक सुंदर दोहा आओ आप सबके बीच से फिर विदाई। जब चले जाते जात रहते घर ले तब आशीष देते कौन मन हमारे राउत भैया मन कैसा आशीष तो आशीष लगा लो देखो दोहा के माध्यम से। ऐसे के मालिक मुरली ही औदी है तैसे के दई वो आशीषे अंधन तोरे भंडार भरे जुगे जियो लाख बरिसे रे हो। ए ढंगले सुंदर आशीष देवत हमार राउत भैया मन दूसरा घर को ती जाते। ते ढंगले दिवाली तिहार में राउत भैया मन के विशेष महत्व है। ई भावना के साथ आप सब जल्द दिवाली तिहार के गाड़ा गाड़ा बधाई जय जोहार। उठो उठो बहिनी मोर अंगना बटोरो या अंगना बटोरो चार संगी आए लेन हार वो बहिनी चार संगी आए लेन हार वो बहिनी। ठौक का दिवाली आने वाला है सब वो जनवन काम बूतम लगे हो है ना। दे 15 दिन बाज गए 15 दिन के बाद दिवाली तिहार और दिवाली के रंग के का पूछना है। धान के कटोरा कहा है जाने वाला हमार छत्तीसगढ़ के लोक संस्कृति लोक कला लोक गीत और लोक तिहार मन अतका सुंदर है अतका सुंदर है कि कतको देख ले कतको अनुभव कर ले अनुभव बढ़ते जते। ठीक वैसे ही जैसे कोनो कभू कभाल ऐसे घर में खीर वीर बन जाते ना तो गजबे मीठा थे और 2-3 दिन और बन जही सर लगा ना तो नीरस लग जाते। लेकिन ये तीज तिहार अतका मीठा थे कि ऐसे लाख थे रोजेज के मनान और दिवाली तो बातें ही निराला रहते। तो जय जोहार मैं रानू निषाद आज आपके बीच में फिर मोर माई भाखा में हमार माई भाखा में हमार तीज तिहार रीति रिवाज परंपरा ले जुड़े कहानी कंथली के साथ में। त धान के कटोरा कहलाते हैं हमारे छत्तीसगढ़ है कबर कबर की यहाँ धान के खेती अब्बड़ अकन होते और वही धान जब हमारे खेत में पक जाते और किसान भाई मन ओ लहलहात धान ला देख के मन में ओकर मन खुशी से झूमेल उठते और वो धान ला जब संपूर्ण ओकर काम ला पूर्ण करके धान ला जब अपन घर में लाते और जिन हर्ष और उल्लास ओकर मन में उमंग आए रहते उत्साह छाए रहे रहते और वही समय आते हमार दिवाली तिहार है। हाँ दिवाली तिहार है और दिवाली तिहार के बातें निराला है। एडहन दिवाली तिहार मनाए के जन छठा है तेन गांव मन में बड़ा सुंदर है। दिवाली तिहार के प्रमुख आकर्षक केंद्र रहते हमार छत्तीसगढ़ में का गौरी गौरव पूजा। हाँ हमार गोड़ भाई मन है और कंवर भाई मन है इतिर हमार गांव के गौरा चौरा में गौरा गौरी के पूजन तैयारी करते। तो गौरा गौरी के पूजन है अब्बड़ अकन वैसे तो पहली ऐसे बताया जाते हैं हमार पूर्वज मन है कि ये गौरा गौरी तिहार है 15 दिन पहली ले चालू हो जाए विशेष करके दीपावली तिहार के उपलक्ष में ये गौरा गौरी पूजन ल किए जाते। तो ये गौरा गौरी पूजा पहली 15 दिन पहले चालू हो जाती रही से लेकिन अब समय परिस्थिति के साथ में सब ला लेके चले के हिसाब से 5 दिन तक कभू कहूँ कहूँ ढहान 7 दिन और अब कभू कहूँ कहूँ ढहान 3 दिन घलो एला माने जाते। तक गौरा पूजा दिवाली तिहार के विशेष आकर्षक के केंद्र रहते जेला हमार गोड़ भाई मन और कंवर भाई मन बखूबी बड़ सुंदर से बड़ तन्मयता के साथ निभाते। सबसे पहली देखने गौरा गौरी कौन हरे तो सबसे पहली हम जानन गौरा मतलब माता पार्वती ला गौरा कहे जाते भगवान शंकर ला गौरा कहे जाते और गौरी गौरी यानी माता पार्वती ता गौरा मतलब भगवान शंकर और गौरी अर्थात पार्वती ये दोनों के विवाह जैसे हमार छत्तीसगढ़ परंपरा के अनुसार रीति रिवाज के अनुसार जैसे ब्याह होते बिल्कुल ठीक वैसे ही भगवान शंकर और माता पार्वती के विवाह संपन्न किए जाते। आंचलिक क्षेत्र में जैसे कि अंचल के लोग मन हर
हर राज्य के अंचल होते हैं। अब इसने हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के लोक संस्कृति है, लोक परंपरा है, तब परंपरा के अनुसार ओकर विवाह संपन्न किए जाते। इमें सब जन मन गाँव मन जुर मिल के ये विवाह संपन्न करे जाते, सब जन के सहयोग से ये विवाह संपन्न होते। तब मैं कहते रहे गौरा यानी भगवान शंकर और गौरी अर्थात माता पार्वती, ये ला कहाँ ले जाया जाते तक गौरा चौरा बस्ती गांव बस्ती में एक ठन चौरा निश्चित किए जा रहे रहते और वो चौरा ला गौरा चौरा के नाम से संबोधित करते। कबर भगवान शंकर और माता पार्वती वही ले जाके प्रतिस्थापित करते, वहीं पे रखते टेगर सिटी और चावरा। और वहाँ जब वो गांव भर के जितका भी लोग रह रहे थे सब जनों कर एकत्रित होते और भगवान के पूजा अर्चना करते, तो लोग गौरा चावरा कहते। अब जे पीढ़ा में गौरा और गौरी रखते तेला गौरा पीढ़ा कहते। जब विसर्जन करे बर लेखते या पूजा करे बर पीढ़ा में नहीं भगवान मन ला रखते, तो वो पीढ़ा ला गौरा पीढ़ा कहते, गौरा पाटा कहते, गौरा पाटा गौरी पाटा इस कही के। और भगवान शंकर जो मिट्टी से बने रहे रहते कुंवारे मिट्टी से, ओला सोन पन्ना से ओला चिपका चिपका के, सोन पन्ना ला चिपका चिपका के ओला सुंदर बनाए जाते। मतलब रंग के वहाँ पे उपयोग नहीं किया जाए, सोन पन्ना के उपयोग किए जाते। एक चमकीली टाइप के कागज आते हैं सुंदर अलग अलग रंग रंग के, तब वही सोन पना से भगवान शंकर ला और माता पार्वती ला सजाया जाते, सुसज्जित किया जाते। और ओकर बाद में भगवान शंकर अलग घर में रह रहे थे और माता पार्वती अलग घर में रखे रह रहे थे। शादी के जैसे नियम दियम होते बिल्कुल सेम वैसे नियम दियम होते, माता भगवान शंकर ला एक अलग घर में रखे रही और माता पार्वती ला अलग घर में रखे रहे रहे। अब सुंदर सब जनवन इकट्ठा जोरिया के ये विवाह पूजन ला संपन्न करते। और जब ये संपन्न होते तो अब्बड़ अकन प्रावधान होते, अब्बड़ अकन ये तीन दिन के पांच दिन के विधिवत तरीका से नियमानुसार सब जन के सहयोग से किए जाते। ता आज ओकरे बारे में हमन थोड़ा चर्चा करे के कोशिश करबो कि भगवान शंकर और पार्वती के विवाह ला ग्रामीण क्षेत्र में अपन रहन सहन के हिसाब से कैसे ढंग ले मनाते। बड़ सुंदर दृश्य रह रहे थे, ये हाँ तीन दिन पहले चालू हो जाती, जैसे आज दिवाली है, दिवाली मतलब शुरू होती जे दिन लक्ष्मी पूजा होती, और लक्ष्मी पूजा के दो दिन पहले ले गौरा गौरी चला जगाना चालू हो जाते। सब जन मन इकट्ठा होते, सब जन जोरी आते और बाजा मोहरी गुदुम दफड़ा दमाऊ जतका हमार गड़वा बाजा है एकर मन के एक टोली रह रहे थे, सब लन न्योता दे रहे थे, सब जन मन लबू लाए रह रहे थे। और ए तीर सांझ जैसे सांझ कन होते सब जन इकट्ठा होते, बातचीत होते, मीटिंग सीटिंग होते, अब ओकर बाद ऐसे ऐसे करना है नियम धियम ये सब चीज हो जा रहे थे, संपन्न हो जा रहे थे। और ओकर बाद काम चालू होते, सबसे पहली का किए जाते जो गांव के मेन व्यक्ति रहते जैन हाँ गोड़ संप्रदाय के कंवर संप्रदाय के समाज में विशेष करके गोड़ भाई मन और कंवर भाई मन के ये विशेष तिहार में जैसे बताया तब कर मन के जैन मुखिया रहते तेन हाँ सात जन मन मिल के एक जगह सुनिश्चित किए जाते जहाँ पे गौरा गौरी जगाते, जैसे गौरा चावरा ओमेर जगह ओमेर जाते और एक जगह सुनिश्चित करते। और सुनिश्चित करके ओमेर सात जन रहे रहे और ओमेर फूल सात प्रकार के लही और सात प्रकार के फूल और एक देसी एक ठन देसी अंडा सिक्का ये सब ला रख के ओमेर रखी गड्ढा खोदी और ओमेर डार के तोप दी। और तोपे के बाद बोरझर के कांटा ला ओला छुपा दे, जिसे बोरझर के कांटा रह रहते तेला ढांक देते ओला। ऐसे पहला दिन के प्रक्रिया प्रारंभ होते, ए ढंग ले ऐसे बोले जा सकते कि स्थापना करे के शुरुआत कर देते। अब ओकर बाद जतका भी माई लोगन है तिकर मन के काम चालू हो जाते। वैसे गौरा गौरी पूजा 9 चरण में संपन्न होते,
और वो नौ चरण के बात मैं आपके बीच में रखे कोशिश करूँ। सुंदर सुंदर गीत गलोए कबर की लोक धुन लोक पर्व में लोक धुन नहीं निष्कासित हुई नहीं निकली प्रतिस्फुटित नहीं हुई गुंजायमान नहीं हुई ऐसे तो हो ही नहीं सके। तो सुंदर वो चीज़ ला मैं दिखाए के कोशिश करूँ अपन शब्द के माध्यम से। तो अब सुंदर में लेके चलता हूँ गौरी गौरव पूजन के वो नवो चरण जेमें सुंदर सुंदर रंग रंग के गाना हमार दीदी महतारी मन गाथे भगवान शंकर और माता पार्वती के ब्याह में। सबसे पहली है पहली चरण में करसा परघाना एला कब होते जैसे कि आप लोग मालूम है कार्तिक अमावस्या के दिन दीपावली के त्यौहार मनाए जाते हैं ना। तो कार्तिक अमावस्या के एक दिन पहली जैसे त्यौहार मनाना है तेकर एक दिन पहली करसा परघाय काम होते। तो करसा परघाय में रात्रि रात के समय जतका भी टूरी टान के दीदी महतारी सब मर रहे रहते ते मन हा एक जगह जोरियाजे थे और करसा पर घाय के सुंदर कामला करते। करसा पर घाना मतलब घर घर जा के सबके घर में करसा ले जाही सर में रखे रही घरों घर जा के करसल दिखाई कि गौरी गौरव करसा आने वाला है काली बारात जाना है काली शादी होना है ऐसे मतलब एक तरफ से न्योता है मान के चलो तन न्योता स्वरूप वो करसल पर घाए जाते सबके घर में पूरा बस्ती भर में और सुंदर गाना गाते घरों घर जा के कैसे उठो उठो बहिनी मोर अंगना बटोरो या अंगना बटोरो साथ संगी आए लेन हार वो बहिनी साथ संगी आए लेन हार वो दीदी कर सा सिंगारो बहिनी रिग बिग सीग बिग बहिनी सिंगारो दीदी गोम छी बरन के बहिनी सिंगारो बहिनी गोम छी बरन के कर सा सिंगारत दीदी एक दिन लागी थे बहिनी सिंगारत दीदी महीना दिन लागी थे बहिनी सिंगारत दीदी महीना दिन लागी थे। तो सुंदर एक गीत लगा थे हमर दीदी महतारी मन नोनी मन बहनी मन सुंदर गा के करसल सिंगारे रह रहे और घरों घर ले जाके करसल देते और वो घर में कैसे होते सब रात के समय में जैसे दीपावली काली मनाना है और जे दिन लक्ष्मी पूजा रही तही दिन सब जन घरों घर जही और वो दियाल दिखाई तहन घर वाले मन वो दियाल देख के वो करसल देख के अंदर ले प्रसाद लानी कोनो मन तेल दी कोनो मन पैसा दी ऐसे करके सब जन कुछ ना कुछ वो करसा पर करसा जाए रही जेकर घर में ओकर घर ले कुछ ना कुछ सामग्री जरूर निकलते ऐसे देते और कोई कोई मन करसा ला जेकर मन के रहे रहते जेकर घर गाय वाय रहे रहते या जेकर घर बड़े वाला करसा देना रहते वो मन बड़े करसा घलो देते ते सीधा गौरा चौरा में आके टकले रखा थे। अब दूसरा चरण में होते गौरा जगाए के ये करसा पहली सज गए करसा हा जैसे शादी होए से पहली शादी में का सामग्री की जरूरत पड़ते करसा पर्रा ये सब चीज तो करसा सज गए और सब लोग पता चल गए कि अब गौरी गौरा जगाना है शादी संपन्न करना है गौरा और गौरी के तो तू मन सब जन मन पहुँच जाओ कहाँ गौरा चौरा में तो गौरा जगाए काम हाँ चालू होते। दूसरा चरण में गौरा जगाए के इमें का होते करसा पर घाय के पश्चात में गौरा गौरी के सुंदर मूर्ति बना लिए रहते कहमें कहूँ कहूँ जगह बनाए रहते और कहूँ कहूँ जे दिन लक्ष्मी पूजा रहते वो दिन रात भर जाग के बैगा घर में वो गौरा गौरी ला
बनाए जा मतलब गौरा ला अलग घर में बनाए जाते और गौरी ला अलग घर में बनाए जाते। सुंदर एक गौरा गौरी ला जगाए के काम करते हो हमार दीदी महतारी मन जान तो सबो जन मन गौरा चौरा में इकट्ठा होते बाजा डमरू डफाओ डफड़ा डमरू ये सब बाजा जन हमार गड़वा बाजा है ते मार रहे रहते मोहरी ये सब मन इकट्ठा रह रहते गांव बस्ती मन मोकर सकलाए रह रहते और तान हमार दीदी महतारी मन गौरा जगाए के काम ला करते और गौरा जगाए काम कैसा ने गौरा जगाए के सुंदर लोग धुने सुंदर लोग गीत है वो गीत ऐसे है गौरा जागे मोर गौरी जागे जागे वो शहर का लो गौरा जागे मोर गौरी जागे जागे वो शहर कैलो बाजा जागे वो बजैया जागे जागे वो देखैया लो बाजा जागे वो बजैया जागे जागे वो गवैया लो ऐसे ऐसे करके पूरा बस्तिक मल्ला सब जन मन के नाम ला ले लेके बैगा बैगिन शहर के लोग ऐसे कह के सुंदर गाते के साथ साथ में का गाते बैगा जागे मोर बैगिन जागे जागे वो देखैया लो बैगा जागे मोर बैगिन जागे जागे वो देखैया लो सुंदर है दे। अब गौराल जगाड़ रही गौराल जगाई सब जन मन मिल के अब तीसरा चरण में आते फूल चढ़ाए के जैसे शुरू में बताया मैं फूल को चरनी करते अंडा रखते सिक्कल रखते तब जब गौरा जगा रहते सब जन मन आ जाते सब गांव बस्ती के मन सकला जाते तहन पत चौर चढ़ाए के और फूल चढ़ाए के सुंदर प्रक्रिया चालू होते जेमे सात जन दीदी मन हा गौरा चौरा करा अर्ध गोल आकार में खड़े हो जाते और सुंदर हाथ में चौर और फूल ल धरते और फूल ल धर के भगवान के जेकर गौरा चौरा रह रहते तेकर छीत छीत के सुंदर गाना लगाते सात जन मन मन मिल के ऐसे एक पत्री दो पत्री तीन पत्री चार पत्री पांच पत्री ऐसे गई के सात पत्री तक चौर और फूल ल चढ़ाते और सुंदर जन लोग धुन है जन लोग गीत है तेला गाल लगते कैसे गाते एक पत्री रैनी बैनी राय रतन वो दुर्गा देवी तोर शीतल चाऊ चौकी चंदन पीढ़ूली पर्वत चल गए दार पान लखाते वो फूले पहरते खेले सगरी के पास एक हो गए सीधा तीन तीन पत्री रैनी बैनी राय रतन वो दुर्गा देवी तोर शीतल छाँव चौकी चंदन पीढ़ूली गौरा के होते मान जैसे गौरा वो मान तुम्हारे कैसे करो स्नान कोरवासन डोहरी पर्वत चल गए दार पान लखाते वो फूले पहरते खेले सगरी के पार सुंदर चौर चढ़ाते जाते फूल चढ़ाते जाते अब वे गीत लगाते जाते अब ही कड़ी में अब चौथा चरण आते चौथा चरण में सब जत का देवता रह रहे थे सब ला जोहार थे गौरा गौरी गांव के डी डोंगर के सहाड़ा देव ठाकुर देव शीतला माता बूढ़ा देव बूढ़ी माई काबर गांव बस्ती में आज सब देवता मन है बाहर गांव के अंदर घलो देवता रहते और गांव के बहिर घलो देवता रहते तक गांव में कोनो धक्का मत पड़े गांव बस्ती के ला कोनो नुकसान ना हो ये सोच के सब देवी देवता मन ला जोहार थे और सब दीदी मन है फिर वही प्रक्रिया संपन्न करते सब जन मन रह रहते महिला मन है सात जन पांच जन महिला मन और सुंदर धरती माता ला पृथ्वी माता ला आकाश चंद्रमा सूर्य सब जन ला जोहार थे कैसे जोहर जोहर मोर ठाकुर देवता
सेवर लागों मैं तो। जोहर जोहर मोर ठाकुर देवता सेवर लागों मैं तो। ठाकुर देवता के मड़ला छवायो झूले वो परोना के हंसा। ठाकुर देवता के मड़वा छवायो झूले वो परोना के हंसा। हंसा चरते मुर मुंगा वो मोती फूले वो चना कईदार। हंसा चरते मुर मुंगा वो मोती फूले वो चना कईदार। जोहर जोहर मुर धरती फिरती जोहर लागो मैं तो। जोहर जोहर मुर धरती फिरती जोहर लैलो हमार। ऐसे ऐसे करत करत जत का भी देवता है, ठाकुर देवता, शीतला माता, बूढ़ा देव, बूढ़ी माई, सब सब देवी देवता मला जोहार थे। यही सेती जोहार थे कि सब जनमन के आशीर्वाद हमार गांव बस्ती में लगे रह रहा है। अब पांचवा गौरा परघानी बड़ा आकर्षक रहे रहते। कैसे कबर की जब गौरा गौरी मन भगवान शंकर और माता पार्वती अलग अलग घर में रहे रहते तब परघा केवल कहाँ लाए जाते, ओला गौरा चौरा में लाए जाते। अब गौरा चौरा में ला के सुंदर पहले लाते परघा, जैसे शादी बर बिहाव में परघावनी के समय कैसे कतका सुंदर लागते। तब इसने जब कभी हमारे छत्तीसगढ़ के नियम है शादी बर बिहाव के वो पूरा नियम धियम के साथ में ये गौरी गौरा के विवाह संपन्न होते। तब अब पांचवा चरण आते गौरा गौरी पर घाय के। ये गौरा गौरी पर घाय के जन दृश्य रहते बड़ा आकर्षक रहते। इमें अब्बड़ देवता घलो चढ़ते और देवता ला सब जनमन। जब देवता चढ़ते तब देवी भी राजे है देवता भी राजे है करके जतका भी गांव भर के ये मान्यता है भाई, ये परंपरा है और ये है एक ठन विश्वास है। कथे ना विश्वास को सर्वदा फलदायकम, विश्वास है और विश्वास है तब वो हमेशा फल देने वाला है। अब ये हमारे मन के परंपरा में है, ये हमारे मन के रीति रिवाज में है कि कोई देव आगे है तेल हम भगवान स्वरूप मान के ओला पर समस्या बताथन। ये सोच के कि शायद भगवान की शायद नहीं कि हम ये सोच के पर समस्या बताथन कि हमार समस्या के निवारण ए देवी स्वरूप जे भी राजे है ये हमार समस्या के निवारण करी। ठीक वैसने जब भगवान गौरा गौरे ले परघाए जाते वो समय देवता चढ़ते और देवता चढ़ैया मन ला सब मनखे मना अपन अपन दुख सुख ला बताते कैसे हो गए महाराज, वैसे हो गए, कोनो उपाय है का, ए ढंग ले अपन सब समस्या ला ओकर सामने में रखते। और जन देव जैन व्यक्ति के ऊपर में देव विराजे रह रहते वह ओकर समस्या के निवारण बर कोई ना कोई ओला सलाह मशवरा जरूर देते। ये हमार रीति रिवाज है, हमार परंपरा है जे सदियों से चले आते और जेला हमन अनुभव करथन जेल मानथन। त ये पांचवा चरण रही से और में घलो हमार दीदी महतारी मन का है एक एक क्षण क्षण में पल पल में गीत संगीत के भंडार है छत्तीसगढ़ लोकगीतों का भंडारा ने इसने नहीं कहा है, छत्तीसगढ़ लोकगीत के भंडार है छत्तीसगढ़ में और इसने जबरदस्ती नहीं है। देखो यहाँ पे भी कत का सुंदर गीत है। जब देव भी राज थे ता हमारे दीदी मतारी मन कैसे गाते दे तो दीदी दही मोला बासी अखरा चोलन बर जई हो वो दीदी। अखरा अखरा बाबू तुम जन रटी हो, अखरा अखरा बाबू तुम जन रटी हो, अखरा में बड़े बड़े देवतारे भाई, अखरा में बड़े बड़े देवतारे भाई, अखरा चोलत बाबू दादा तोर बीत गे, अखरा छोलत बाबू
दादा तोरा बीत गे पैदा लेवत बाबू दाई तोर बीत गे पैदा लेवत बाबू दाई तोर बीत गे। कतका सुंदर कहानी है, कतका सुंदर। हर एक एक पर्व के पीछे कोई ना कोई रहस्य है, कोई ना कोई गुड़ है, कोई ना कोई बात है। जे हाँ, हम ऐसने नहीं कहन, हमार धर्म पुराण बताते, हमार जतका भी ऋषि मुनि ज्ञानी विद्वत जन के द्वारा सत्यापित किए हैं, लिखे गए हैं, वही बात आपके बीच में रखे जाते। कतका सुंदर बात ला बता, देखो दे तो दीदी, दे तो दीदी दही मोलबासी वो अखरा छोलन भर जइहों में। तो ओला कहा कि अखरा में मत जा बेटा, बट बड़े बड़े देवता है, एला कौन ला समझाते, भगवान ला समझाते। अब वो कहते नहीं मैं यहाँ जाऊँ। तो कतका भाव छुपे हुए है हमारे छत्तीसगढ़ के तीज तिहार और रीति रिवाज में। अब फिर मैं आप ला फिर से हमार देवारी तिहार के जे गौरी गौरा पूजन के छठवा चरण है तेमा लेकर चलूँ। छठवा चरण में देवता चढ़े व्यक्ति है झूमर झूमर के नाचते, कहाँ गौरा चौरा में, गौरा चौरा में जम्मो मन के मनसक लाए रह रहे थे। और जे देव स्वरूप देवता जेकर ऊपर चढ़े रह रहे थे, विराजे रह रहे थे, वो झूमर झूमर के नाचते। साटा लेते, साटा में साटा का चीज के बने रहते, रस जो नया धान के पेरा रह रहे थे और गमछा एकर से मिलके बड़े बड़े साटल। तो आप मन सब जन देखे छो, सब प्राय प्राय सब जन जानते, ऐसे अतक जन रह रहे और साह साह पढ़ते उमें। और हमार युवा भाई मन गलो पीछे नहीं हटे, गौरा गौरी दिन देवारी तिहार के दिन मैं लूँ कहीं कैसे दोनों हाथ ला टेका देते, एक घर घन पढ़ते दाई ये दाई से चालू हो जाते। देवी देवता चीज में कभी मजाक वजाक करे घलो नो है, लेकिन अतका देव शक्ति आज रहते वो साटा में। और वो जो मनखे जल जे में देवता चढ़े रहते, देवता जेकर में विराज रह रहे, विराजे रह रहे, और कतनो एक साटा का दू साटा मार दे, कद हजार साटा मार ले, बिल तनिक भी नहीं पिराए, ऐसे बोले जाते, ऐसे बताए जाते। और वैसे अनुभव घलो किए जाते कि वो साटा में कतनो मार ले ओला नहीं पड़े। और वैसने कोनो व्यक्ति मार दे तो एक घर के गिर जाइ, वह पेरा पेरक बने हैं। और ओकर बाद में गमछा लपटा है, पानी में भीगे है नाना प्रकार के, और वो में मंत्र भी मंत्री थे वे। और वे के घर राह पढ़ी ते दई ये दादा कुंगर जी आदमी है। फिर ऐसे नहीं हुए जे देवता चढ़े रहते थे, और जे मन में श्रद्धा भाव रखे रह रहते, जे श्रद्धा भाव लेके साटा लेते ते बोले जाते कि साटा ले से शरीर के जितना भी दुख तकलीफ पीड़ा रह रहते द्वेष रह रहते वो सब निष्कासित हो जाते निकल जाते। लेकिन भाव है अच्छा रहना चाहिए, ऐसे दिखावा जिखावा के लिए नहीं रहना चाहिए। भाव भगवान पे समर्पित रहना चाहिए, मन भगवान में समर्पित रहना चाहिए। और मन में समर्पित रही जाइए तो वो साटा नहीं पड़े। और सुंदर ये छठवा चरण हरे जेमें देवता मना चढ़े रह रहे और झूमर झूमर के खेलते। और हमार दीदी महतारी मन एक देवता मल्ला और खिलाए बर नचाए बर झुमाए बर सुंदर गाना गाते। काय गाना गाते ता लाले लाले परसा लाली है कमाल, लाले लाले परसा लाली है कमाल, लाली है सर राजा घोड़वा सवार, लाली है सर राजा घोड़वा सवार, घोड़वा कुदावते सर पैया बोला रख गे, घोड़वा कुदावते सर पैया बोला रख गे, सिर पर माथा ढेला फूले हो लाल, सिर पर माथा ढेला फूले हो लाल। ऐसे ढंग ले सुंदर गा गा के आऊ, जैसे गाना चलते डड़ैया पार कथेला। अब जैसे चलते थे देवता मना ये कते रूंदनाल टोर के भागा थे, कते कहीं कते नाली वाली खपरा छानी कुमड़ाल तोड़ के लाना, कौन लौकील तोड़ के लाते, कोई काला तोड़ के लाते, ऐसा टाइप के होते दृश्य। अतका मनोरम रहते
अतका मनोरम रखते जैसे ऐसे लगते जैसे हम त्रेता सतयुग में आ गए हैं। अतका सुंदर जो ग्रामीण क्षेत्र है ते गौरी गौरे पूजन में सब जन मन एकदम घुल मिल जा रहे रथे, ऐसे लगते कि सब जन भगवान शंकर और माता पार्वती के बिहाव में सब मिले हुए, सब जन करते और सब जन त्रेता युग में चले गए, ऐसे सुंदर दिखत रहते। एक नौगान है, डर डरैया मोर बड़ा रंग रैली वो चढ़े बोली मन का, डर डरैया मोर बड़ा रंग रैली वो चढ़े बोली मन का, लिमुआ के डारा मोर टूटी फूटी जई है वो तिरनी गए छरिया, लिमुआ के डारा मोर टूटी फूटी जई है वो तिरनी गए छरिया। ऐसे ढंगले सुंदर सुंदर गीता हमार दीदी माँ तारी मन गा गा के ए त्योहार ला मनाते। अब यही चरण में आप ला फिर लेके चलो सातवा चरण में, ये छठवा होई का है भगवान शंकर के और पार्वती के विवाह हुआ थे, लेकिन जैसे कोई भी काम चरण में पर कोई भी काम है संपन्न चरण में होते, पहली एला करबो तहनेला करबो वैसने ये चरण में बंधे हुए है, तो छठवा चरण हुई। अब मैं सातवा चरण के आप ला दृष्टि गोचर करा तो सातवा चरण के ढान ले जाता हूँ। सातवा चरण में सब जन मन अब देवता चढ़ गए, सब देवता चढ़ गए और नाच खेत कूट डरी सब कट डरी, तहन देवला उतारे के काम करते। अब चढ़ान भैया तौला उतारे पढ़ी ना सन में बिचारा मन के ओकर मन के काय स्थिति हुई, रात भर नाचते रही ते शरीर लत घलो देखना है, ते गर्सती ओला देवला उतारते। जतका झन दीदी माई है सात जन मन फिर खड़े होते और फिर खड़े होके जाते गौरा चौरा में, सात जन मन फिर पानी हुम धूप ला धर के और वो मेरे धूप दी पानी दी और सुंदर वो मेरे खड़े होके सब जन दोनों हाथ ला जोड़ के भावपूर्ण रूप से एक सुर में सुंदर गाना गाते। गौरा सूते मोर गौरी सूते वो शहर का लोग, मतलब जतका झनला जगाए रहते जैन जैन मल्ला गांव बस्ती पारा ईगा बैगा आजा बाजा गाजा जतकला भी जगाए रहे रहते सब ला फिर से सूता थे, काबर जगा दे है तो जागे रही तो तो, तो, तो दिक्कत हो जाए परेशानी हो जाए, तेकर से तुमन जागे हो भैया अब भगवान हो देवता हो अब ले तुमन तहू मन सूतो कह के सुंदर सूता थे। गौरा सूते मोर गौरी सूते वो शहर का लो, गौरा सूते मोर गौरी सूते वो शहर का लो, बाजा सूते वो बजैया सूते वो गवैया लो, बाजा सूते वो बजैया सूते वो गवैया लो, बैगा सूते मोर बैगिन सूते वो देखैया लो, बैगा सूते मोर बैगिन सूते वो देखैया लो। ए ढंग ले सुंदर गौरी गौराला सूता थे और सूता एक बार जत का भी दीदी मातारी मन सब जन रहे रहते सब जन मन अपन अपन घर चले जाते। अब घर जाले जाते तहन बिहानिया तो अब बड़ा घन काम, अभी आठवा चरण के पारी आते, मैं कहूँ नौ चरण में कंप्लीट होते, नौ चरण में पूरा होते, ता आठवा चरण में सुंदर सब जन मन का करते गौरी गौरा रखा है, गौरी गौरा बन गए सोनपना में, एक ठन घर में गौरी है एक ठन घर में गौरा है, सब मतलब परघाली अब करसा पर घवनी वाला रात भर पूरा जतका भी हमार दीदी महतारी है सब जन पूरा बस्तील घूम डरीस, करसा जे घर में गौरी गौरा रखा है वहाँ माई करसा रखा है, ऊंचे गौरी गौरा रखा है, अब ओ गौरी गौरा ला माई करसा के साथ में धर के लानी कहाँ बिहनिया चार बजे ले उठ के कहाँ लानी गौरा चौरा में, अब गौरा चौरा में लान के टुकले रख दी। अब जत का भी गांव बस्ती के जत का भी लोग है वो मन सब जन मना
बारी 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 और ही पारी आते और पूजा अर्चना करते। सब जन अपन मन के मनोतिल मांगते, जो जो भी है इच्छा मन के, वो सब जन मन अपन अपन इच्छा ला भगवान शंकर और माता पार्वती से मांगते। सब पूजा अर्चना करते, अब के साथ साथ में भाव विभोर घलो होते रहते। काबर कहो, काबर तीन तीन दिन ले अभी दिवाली तिहार में, दिवाली तिहार के उपलक्ष में ओकर संगे संग में गौरा पूजन करे। अब गौरा पूजन में जतका नियम धियम करना रही सब ला करे है ऐ। और मन में उत्साह उमंग है, उत्साह उल्लास बगरे हुए हैं। और अब मल्ला पता है कि अब आजे भरे भगवान शंकर और माता पार्वती तहने मल्लत विसर्जन कर देना है। त एक मन में एक ठन भाव भी विदा करे, एक भाव मन एक ढन तो खुश है का गे दिवाली तिहार मनाथन पूजा करथन भगवान शंकर के। अब एक ढन मन हा उदास घलो है कि अब वेद विसर्जन कर देबो। विदाई के बेरा कौन ला अच्छा लगते, सब ला रोआते, सब ला द्रवित करते, सब ला शोक में डाल देते, सब ला थोड़ा नर्वस कर देते, मायूस कर देते। बस वैसने एक ढहन भगवान से अर्जी बिनती प्रार्थना सुख दुख के कामना रहते, तो एक ढहन ने विदा करे के दुख वाले घड़ी रह रहते। सब गांव बस्ती मन है इकट्ठा होते, सब जन मन है पूजा अर्चना करते। और धीरे 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 जत का भी महिला रह रहते पुरुष रह रहते सब जन मन मिल के एक जन हम माई करसल धरी नोनी है। और बोले जाते कि एक गौरा ला जेहन एक एक बार बोहिस तेहा सरलगा तीन साल ले बोही, या जेकर घर में गौरा गौरी बना थे ते एक के साल नहीं बने, वो सरलगा तीन साल ले बनाल पड़ते। तो ये प्रावधान है। अब गौरा गौरी है कुंवारी माटी से बनते, कुंवारी माटी पर भी जे दिन दीपावली रहते उकर इसने दोपहर के समय 9-10 बजे या समय परिस्थिति के हिसाब से कोई मन 9:30 बजे निकल जाते, कोई मन 12 बजे निकलते, कोई मन 2 बजे, जतका जल्दी आदमी मन सकला जाए, जतका जल्दी इकट्ठा हो जाए, ऐसे देख के समय परिस्थिति देख के निकल के गांव बस्ती के बाहर कुंवारी माटी से गौरा गौरीला बनाए जा रहे थे। तब करसा पर करसा मजन माई करसा रहते थे आघूम रहे थे, और पाछू में गौरा और गौरी रहते। भगवान गौरा हा बैला में बैठे रह रहे थे और गौरी हा केछुआ में बैठे रह रहे थे। तेरे से दी कथे ना तय ढंग ले सुंदर गीत गात रहे थे। काय गाते, धन धन हे सर अकल तुम्हारे, धन धन हे सर अकल तुम्हारे, घोड़े वाला छोड़ के बैला में चढ़ी आए, घोड़े वाला छोड़ के बैला में चढ़ी आए, धन धन हे गौरी अकल तुम्हारे, धन धन हे गौरी अकल तुम्हारे, डोले वाला छोड़ के केछुआ में चढ़ी आए, डोले वाला छोड़ के केछुआ में चढ़ी आए। सुंदर ढंगले गीत लगा थे है ना। तब भगवान शंकर जी है ते बैला में भी राजी थे वे, और माता पार्वती है जे गौरी स्वरूप है तेहा केचवा में, और वे सुंदर बोहे रहते। सब जन मन गौरा पाटा में, और आगू आगू माई कर सा रंग थे, और पाछू में मन चलते और पूरा उकर पाछू पूरा बस्ती में, और सब ले आगू में गड़वा बाजा वाले मन सुंदर बाजल बजात 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 कहाँ जाते सगर जलाशय में तरिया में जहाँ विसर्जन करना है भगवान गौरा और गौरी ला। तिहाँ सब जन मन पूरा बस्तिक मन रूंधा, कोई रोवत कोई हंसत कोई मगन होत कोई देवता चढ़त, सब मन अंतिम विदाई दे बर भगवान ला जात रहते जाते। अब यही तारतम्यता में सुंदर गीत और चलते, कैसन गीत चलते जब भगवान ला छोड़े बर जाते था। एक पतरी हो तुम ला चढ़ाएं, ऐसने करके फिर मतलब जब भगवान ला जब विसर्जन करे बर लेगा थे तत्का समय ये गीत चलते। एक पतरी हो तुम ला चढ़ाएं, गौरी खड़े हो बिलवासी, आमा आमला पूजन गौरी
मांझे मजनी चौरासी। कतका सुंदर है, देखो छोड़ा थे छोड़े के औ एक डहन छोड़े के अब एक डहन मिले के कत जोन भाव है ते गाना कतका सुंदर दिखा थे वे। रौनिया के भौनिया गौरी वो रंग पड़े कस्तूरिया, रौनिया के भौनिया गौरी रंग पड़े कस्तूरिया, आगू आगू मोरे राम चलते हैं पाछू माँ भौजैया, आगू आगू मोरे राम चलते हैं पाछू माँ भौजैया। ऐसे करत एक पत्री दू पत्री तीन पत्री चार ऐसे करत सात पत्री गात गात सुंदर माई लोगन मन आधा रुआत सुस्कत कोई हंसत कोई नाचत कोई झूमरत सब जन मन जलाशय में तरिया डहन ले जाते। अब अंतिम चरण में जतका जन मन रहे रहते सब तरिया के तीर में खड़े हो जाते। गौरा गौरी तरिया तीर में ले जाते रखते तीर में घटौंधा मेर औ बैगा रहे रहते औ जतका वो मन पाट पिढ़ुलियल बुहे रहे रहते ते मन भी में रहे रहते औ सुंदर उमर बैठ के पहले सब जन मन खड़े होके आरती कर लेते सब गांव बस्ती के संपन्नता बर खुशी बर गांव बस्ती के हित बर गौरा उ गौरी भगवान से माता से प्रार्थना करते कि हे भगवान हे माता हमार बस्ती मल्ला अच्छा रखबे और हमार ऊपर आशीष बनाए रखबे हम लकबू हमार ऊपर कनो विपत्ति है तेला हटाबे और ए ढंग ले हमन तोला विदाई देथन लेकिन ते हमला छोड़ के झंझाबे। ऐसे गई के प्रार्थना करके अपन छत्र छाया ला अपन आशीष ला हमार ऊपर बनाए रखबे भगवान और बनाए रखबे दाई ऐसे गई के माता पार्वती और भगवान शंकर से सब गांव बस्ती वाले मन प्रार्थना करते और जन गौरा गौरी बोहे रहते ते मन धरते पीढ़ाला गौरा पाटा गौरी गौरी पाटाला और ओकरे सुधा जाके तरिया में ऐसे डूबते बुड़ जाते। तहन माता पार्वती और भगवान शंकर ला विसर्जित करते और वो पीढ़ाल धर के फिर निकलते और सुंदर दाई दीदी महतारी मन फिर गाना गात 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 इसने खाली नहीं आए वो कले जतका भी प्रसाद वरसाद रहते वितरण वगैरह सब वितरण करते और जो सोन पन्ना रहे रहते जो भगवान शंकर के कबर क्यों मतलब रंग रोदन नहीं करे जैसे कोई पेंट वेंट वगैरह करते वैसा नहीं किए सोन पन्ना ला से ही भगवान मतलब सजाए जा रहे थे ओला ओला रंगे रहे रहते मतलब सोन पन्ना रहे रहते ओकर से ओला चिपका चिपका के ओला सुंदर बनाए रहते ओला अलंकृत करे रहे रहते ओमें कोई रंग के उपयोग नहीं कर रहा है तो जो सोन पन्ना रहते वही ला प्रसाद स्वरूप सब जतका जा रहे रहते ते मल्ला बांटते। अब जतका हमार दाई दीदी महतारी हरे ते मन एक जगह जोरी आ जाते और फिर आना रहते ओ मल्ला ता ऐसने खाली नहीं आए सुंदर गाना गात बाजा मोहरी वाले मन से धीरे धीरे गाना गात गात ये अंतिम गीत रहते अब गीत हरे नदिया भीतर के मोर जलहरी टेंगना वो जलहरी टेंगना जाही लागे जैसे मोतियन के अचरा जाही लागे जैसे मोतियन के अचरा छोड़ छोड़ो रे टेंगना अचरा ला मोरे छोड़ छोड़ो रे टेंगना अचरा ला मोरे मोरु घर ससुरा भी राजे होना मोरु घर ससुरा भी राजे होना ससुरे ला देवो बसलाओ बिजनाओ बसलाओ बिजना छोलत छोलत दिन जाए होना छोलत छोलत दिन जाए होना देवरा ला देवो गिल्ली ओ डंडा खेलत खेलत दिन जाए होना खेलत खेलत दिन जाए होना नानंद ला देबो सुपली ओ चुरकी फूनत फूनत दिन जाए होना फूनत फूनत दिन जाए होना। ऐसे ढंग ले सुंदर ये गीत लगा के और ये गीत के साथ में ये जन गौरी गौरा पूजन है जन हमारे छत्तीसगढ़ के सबसे सुंदर और सबसे विलग जे देश विदेश में हमारे छत्तीसगढ़ के जे ये त्योहार ला प्रखर बनाते सुंदर बनाते
ते ये देवारी तिहार के उपलक्ष में गौरी गौरा पूजन किए जाते जे बहुत ही ज्यादा आकर्षक के केंद्र रहते और जे में सब जन के मन हा खुशी से झूमत रहते नाचत रहते हर्षावत रहे रहते ई ढंग ले तिहार ल मनाते ता अवैया देरी दिवारी तिहार के देवारी तिहार के गौरी गौरा पूजा तिहार के आप जब मोझल्ला गाड़ा गाड़ा बधाई हो। देवारी तिहार के दिया हम सब के जीवन में अंजोर बगराए खुशी के अंजोर बगराए और हम सब झल्ला हम सब जन के ऊपर माता लक्ष्मी महारानी के विशेष रूप से अनुकंपा बरसे। कोई हा काकरो से दुखी मत रहे ये भावना के साथ आप सब झल्ला देवारी तिहार के गाड़ा गाड़ा बधाई जय जोहर। तेरी हरी नाना मोर नहनानी नाना या मोर रामा तेरी हरी नाना मोर नहनानी नाना या मोर रामा या वृंदावन के सुवना मोर रामा या वृंदावन के सुवना मोर रामा छत्तीसगढ़ ला लोकगीत के भंडार कहे जाते काबर काबर की लोकगीत छत्तीसगढ़ के लोक जीवन के भाव आए साधारण मन के मुहूले मुखरित निकले गीत आए जेमा प्रेम धर्म तीज तिहार दुख सुख सबो के झलक दिखते और इही लोकगीत मा जेकर नाव सबले पहले आते ओ हरे हमर छत्तीसगढ़ के सुहागी ता जय जोहर। मैं रानू निषाद आज फिर अपन माई भाखा के संग हमर तीज तिहाज रीति रिवाज से जुड़े कहानी और कंथली के साथ आप सबो जन जानतो सुहागी और नृत्य आनी बानी के रूप छत्तीसगढ़ के ऊंटा कुंटा मा दिखाई देते। सुवागीत का हरे तस्वागीत हमर छत्तीसगढ़िया मन के भाव हरे लोकगीत आए जेमा नारी जीवन के जम्मो भाव हा दिखते। सुवागीत सरिक विरह वेदना के गीत सुवागीत सिर्फ विरह वेदना के गीत नो है एमा प्रेम धर्म सुख दुख तीज तिहार परिवार सबके भाव दिखते। नारी जीवन में जो अलग अलग भाव है वो कैसे समय परिस्थिति के साथ सुवा गीत में निकलते ओला देखो। सबसे पहली सुवा गीत ला देखथन प्रकृति पूजा के रूप में। प्रकृति काबर सुवा हमर संगवारी है और हमन अपन आप ला हमन अपन भाव ला ओकर माध्यम से व्यक्त करथन। विशेष कर ये सुवा गीत हा माई लोगन मन के मनोभाव ला व्यक्त करथे। ता सबसे पहली सुवा गीत में हमन प्रकृति पूजा देखन। प्रकृति हा लोक जीवन के देवी देवता है हमर प्रकृति प्रेम जग जाही है यही ढंग ले प्रकृति हमर सांस सांस मा बसे है। तभे तो नदिया नरवा तुलसी चौरा दिया बाती रुख राई जंगल पहाड़ सब के वर्णन सुवागीत मा करे जाते और सुवागीत एकर विषय बनते जेला सुवागीत मा हमर महतारी दीदी बहिनी भौजी बन कैसे गाते अब सुनवो। तरिहारी नाना मुर नहनानी नाना वो मुंगरा लगा ले कुआ पार मा देखियो ना सुवागीत
कैसे प्रकृति पूजा मा गाय जाते, कैसे प्रकृति पूजा बर सुवा गीत के उपयोग हमर दाई दीदी महतारी मन करते। अब आओ देखन सुवा के एक ठन दूसरा भाव, जी हाँ, धर्म के प्रति आस्था ल व्यक्त करते। हाँ, धर्म के प्रति आस्था की चिन्हारी ये इस सुवा गीत। कैसे हमर धर्म के प्रति हमेशा आस्थावान रहथन, हमन धर्म के प्रति हमेशा आस्थावान रहथन, विशेष रूप से नारी मन धर्म में ही ज्यादा केंद्रित रही थे। आचार व्यवहार कर्म सब धर्म में हमर माय लोगन मन ही नारी ही अडिग रही थे। और एकरे से कही थे भी प्रकृति के श्रृंगार है नारी, दान और चमत्कार है नारी, जन समझो एला मासूम अबला हर श्रेय के भागीदार है नारी। नारी सीता है, मीरा है, गीता है, तकबू कोठा का बने जिन्नत मजबूर और लाचार है नारी। पुरुष खुदला हिमालय समझे ता गंगा के धार है नारी, अगर पुरुष नैया के कश्ती है तो वो कश्ती के पतवार है नारी। नारी मुस्का देते ता उजड़े चमन में बहार आ जाते, और कोनो बिगड़ जाते ता दूधारी तलवार है नारी। नारी के जम्मो भावला इस सुवा गीत के माध्यम से हम अल्लाह सुने बर मिलते। सुवा गीत के धार्मिक गीत में राम कृष्ण जतका भगवान है सबके वर्णन होते, विष्णु के वर्णन होते, शंकर के वर्णन होते, माता गौरी के वर्णन होते। तद धार्मिक धर्म से सुवा गीत कैसे जोड़ते एक ठन गाना के माध्यम से देखन। तरी हारी नाना मोर नहनारी नाना ये तो दासी लले ना हमो, तरी हारी नाना मोर नहनारी नाना ये तो दासी लले ना हमो, नंदे के अंगना मा झूला से झूलना ये तो दासी लले ना हमो, पलना मा झूला से ललना ये तो दासी लले ना हमो। हमला धर्म से जोड़ते। अब आवो सुवा गीत के एक ठन औ छटा एक ठन औ रंग ला देखन विरह गीत में। हमर विद्वत जनमन गई थे कि सुवा गीत विरह गीत के एक बहुत बड़े उदाहरण है। हमर विद्वत जनमन सुवा गीत ला विरह गीत कहे हैं। नारी प्रेम करुणा त्याग समर्पण औ बलिदान संसार मा सबले बड़ के है। मेहनत कस पुरुष अपन परिवार के पालन पोषण बर परदेश चले जाते, तब नारी के मन के करुण पुकार करुण क्रंदन ला सुनैया कोई नहीं रहा है। और रहते था कौन सुवा मिट्टू हा, और तब नारी अपन बात ला सुवा गीत के माध्यम से ओ मिट्टू ला कही थे। आवो देखन कैसे कही थे काय के थे जे लसुआ गीत में कतका सुंदर से पिरोहे ए गीत के माध्यम से। तेरी हरी नहाना मोर नहानारी नानाकी मोर पी हो गे पर दे मोर पी हो गेहे पर दे तेरी हरी नहाना मोर नहाना रे नाना की मोर पीहू गेहे पर दे की मोर पी
भगवा गीत के विरह के ये छटा ये ठन रूप कत का सुंदर है। जेला महिला माई लोगन जब उकर पिहुआ उकर पिया उकर धनी परदेश चले जाते काम के, अब पेट रोजी बर तो कहीं कहीं काम करना चाहिए। अब वही पेट रोजी खातिर जब वो परदेश निकल जाते माई लोगन अकेला हो जाते घर में, ता अपन भावला कौन ढंग ले बताते। ये सुहा गीत जन विराह गीत के एक सोहुधारण है, जेला माई लोगन मन सुहा के माध्यम से अपन भावला व्यक्त करते। अब हम देखन सुहा के एक ठन औ छटा एक ठन औ रंग जेला उत्साह और उल्लास मा दिखाए जाते। काबर के सुहा गीत था सिर्फ विरह वेदना के गीत नोए, हमन जतका 12 साल में 12 महीना थे और 12 महीना के जतका तीज तिहार है जतका पर्व है जतका भाव है, अब जीवन में सुख है दुख है लाभ है हानि है रोना है हंसना है, तो ये सब के अभिव्यक्ति ला ये सुहा सुहा गीत के माध्यम से व्यक्त करते। कौन हा माई लोगन और कुंवारी कन्या मन कुंवारी टूरी मन हा, ता अब देखन सुहा गीत सिर्फ विरह वेदना के गीत नो है, एमा प्रेम धर्म प्रकृति परिवार के घनो सुंदर दर्पण दिखाई देते। प्रेम और प्रकृति तो लोक के मूल है लोक के जड़ आए, जेमा सुहा गीत कैसे अछूता रही। प्रेम और उल्लास के यही कहानी सुहा गीत मा दिखते, जब नायिका नायक ला देखते अपन मन ला मन मा ओला समा लेते, तब वो नायिका अपन प्रेमी भर जो भाव रखते ओला कैसे सुहा गीत के माध्यम से हमार दीदी मन गाते। अब देखन छोटे से सुंदर सुहा गीत। तरिहारी नाना मुर नहनारी नाना गापन वाला, भावला व्यक्त नहीं करे ए हर उल्लाह उच्छा उमंग खुशी ला घलो व्यक्त करते। अब हमन देखन सुहा गीत के एक ठन औ छटा जे कहानी औ कंथली में दिखे थे। आप जानते हो कि प्रारंभ काल से ही हमर जिंदगी हा राजा महाराजा से जुड़े हुए है और राजा महाराजा हमर जिंदगी में है और उमन हा अतका काम करे है अतका अपन वीरता ला प्रस्तुत करे है और उकर वीरता के कारण आज हमन हमर भारत देश में हमर छत्तीसगढ़ राज्य में राहत हुआ। तब जैसे सुहा गीत में हर्ष उल्लास खुशी उमंग के भाव ला व्यक्त करते, वैसने गाथा मन में कैसे सुहा गीत ला गाए जाते तेकर बारे में छोटा लाइन भारत के प्रसिद्ध बैताल पच्ची सीमा तोता मैना के किस्सा है। एमा राजा रूपसेन के सुहा हा बताते कि उकर बिहाव अमुक राजकुमारी सन होया है, संगे संग हमर छत्तीसगढ़ में राजा रत्नसेन रानी नागमती के गाथा ला घलो सुहा गीत के माध्यम से सुने बर मिलते। यही ढंग ले माई लोगन मन राजा रानी और आने आने के गाथा ला घलो सुहा गीत के माध्यम से समाज में बिखेरते। जे वीर पुरुष है तेकर जीवन गाथा ला ए तरिहरी नानी के गीत मा कैसे व्यक्त करते आवा देखा है। तरिहरी नाना नाना सुआना हो तरिहरी नाना नाना सुआना, तरिहरी नाना नाना सुआना हो तरिहरी नाना नाना सुआना।
होगे मतवारा सब जन पकड़े चिंगरी ओ पोतरीला आई मन पकड़े कारी नांगिनला सब जन पकड़े चिंगरी ओ पोतरीला आई मन पकड़े कारी नांगिनला सुन ले बे सासे बिनती हमारे या कैसे के पौलो कैसे सुधारन सुन ले बे सासे बिनती हमारे या कैसे के पौलो कैसे सुधारन हरी हरी काबर की छत्तीसगढ़ ला सुवा गीत और सुवा नृत्य से अलंकृत किए जाते काबर की सुवा गीत और सुवा नृत्य हमार आन बान शान यही हमार मान सब चीज है और एकरे वजह से तो हम छत्तीसगढ़िया कहलाते हैं। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े पहचान ही संस्कृति मैं शुरू बताया कि लोक संगीत अतका भंडारण है छत्तीसगढ़ में कि कतको खोद ले कतको खोद ले कतको खन ले खत्म होने वाला नहीं है। जत का खनते जबे वत का निकलते जहे तसुआ गीत में सुआ नृत्य के घलो विशेष महत्व है और सुआ नृत्य ला कैसे करते ज्यादा एकदम बाकी सब नृत्य में दुनियादारी के ताम झाम करे पड़ते लेकिन सुआ नृत्य एकदम सरल सस्ता टिकाऊ नृत्य कैसे महिला मन एक ठन टुकनी रखते टुकनी में धान रही धान के ऊपर में दो ठन मिठू ला रख दी मट्टी के बना के मिठू आ गौरी और पार्वती के प्रतीक रहते महिला मन चारो भावर उकर गोल भावर खड़े हो जाते कनियाल झुका लेते और ताली पीट पीट के पीट पीट के पीट पीट के नाचते ता एकरे एक छन छोटे इस बात ला देखो कि सिवा गीत में कोनो वाद्य के जरूरत नहीं है ना एकर महत्वपूर्ण बात आऊ है जैसे अब कोनो गीत मन में वाद्य यंत्र के प्रयोग होते लेकिन सुवा गीत में कोनो वाद्य यंत्र की जरूरत नहीं हुई माई लोग मन थपकी बजा बजा के टुकनी के गोल भावर एक कन निहार के झूमर झूमर के नाचते और अपन जे मो भावला आरी पारी सुवा गीत में बखान करते कभू खेत खार तक कभू भाजी भाटा तोरई मुनगा जम्मो साग भाजी ला और जम्मो उपयोगी सामग्री के वर्णन एक गीत में देखे बर मिलते कैसे ता आव ये गीत ला देखन तरी हरे नाहन रे नाना अरे मुरसुवना तरी हरे नाहन रे नाना माध्यम से महिला मन माई लोगन मन नारी मन कैसे खेत बाड़ी साग भाजी जत का उपयोगी सामग्री है ओकर प्रयोग ला करते गीत के माध्यम से। अब सुवा गीत के एक बड़ खूबसूरत बड़ सुंदर रंग है जेल हम बारामासी गीत के माध्यम से देखते हैं। साल भर के तीज तिहार के वर्णन सुवा गीत में हो जाते नारी ला प्रकृति माने जाते है ना मैं शुरू में बोले प्रकृति के श्रृंगार है नारी त नारी ला प्रकृति माने जाती प्रकृति के संगे संग साल भर के तीज तिहार और परिवर्तन भला सुवा गीत मा कैसे नहीं दिखी। सुवा गीत में बारामसी गीत के अलगे रंग है जिला माई लोगन मन बड़ सुघर ढंग ले प्रस्तुत करते। अब बारामसी गीत के जब बात आती तब महिला मन हा माई लोगन मन हा ओरी पारी जत का बा एक साल में महीना होते सब महीना के ओरी पारी वो महीना के हिसाब से जोन जोन कार्य होते काम होते ओला कैसे ओरी पारी प्रस्तुत करते आवा देखा ने सुवा गीत के माध्यम से तरी हरी नाना मुन नहा नारे सुवाना की तरी हरी नहा मोरे मोरे सुवाना के तरी
सुवाना की पूसे मा भरते देखियो बारा मासी में कैसे हमर सुहागीत था परिलक्षित होते हो कतका सुंदर ढंग ले हमर माई लोगन मन एला दीदी मन काकी भौजी मातारी सब मन कैसे गा के बारो महीना के वर्णन सुहागीत के माध्यम से कर देते। आवो घर गृहस्थी में नारी और सुहा के गीत, घर गृहस्थी में कैसे नारी है अपन भावला सुहा के माध्यम से करते जी हसुआ गीत के नाम से जाने जाते। देखन माई लोगन हा घर गृहस्थी के ना जड़ होते, वो हा माया के मूर्ति होते, परिवार के लाज मर्यादा मान खातिर दुख ला सही थे और माया दुलार ले परिवार ला बांध थे। फिर नारी हा हमेशा से उपेक्षा और अपमान के तिरस्कार के पात्र बन जाते। घर परिवार में कई प्रकार के उतार चढ़ाव आते और यही मान अपमान तिरस्कार हा सुहा गीत के कारण बनते। अपन भोगे वो क्षण ला, अपन बिताए वो समय ला सुहा गीत के माध्यम से माई लोगन मन कैसे प्रकट करते। आवो देखा तेरी हरे सुहा गीत में परिलक्षित होते दिखाई देते। सुहा गीत अपन रस भक्ति और प्रकाश ले सब ला प्रकाशित करते। सुहा गीत महानदी के निर्मल धारा है जे सब के प्यास ला बुझाते और जीवन रस के संचार करते। छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में बसे सुहा गीत अमृत संस्कृति ला उजियार करते। ता ये सुहा गीत है हमर छत्तीसगढ़ के माई लोगन के विशेष रूप से जम्मो भावला व्यक्त करे के एक सुंदर साधन हरे, एक सुंदर संगवारी है और एकरे सेती हमन कथन सुहा हमर संगवारी है, सुहा हमर संगवारी है। ता आवो यही भावना के साथ एक सुंदर से लास्ट अंतिम सुहा गीत और आप सबसे विदाई। हरी हरी नाना वो बास पान सुरिया बालो दिहावे दुरिया। हरी हरी नाना वो बास पान सुरिया बालो दिहावे दुरिया। हरी हरी नाना नाना वो सुरिया बास पान सुरिया बालो दिहावे दुरिया। लाली मोटर मानी कल जा वो दुरिया, लाली मोटर मानी कल जा वो दुरिया। हरी हरी नाना नाना वो सुरिया पान सूर्या रायपुर हवे दुरिया। तेरी हरी ना...